आज का हमारा पहला प्रश्न है बिहार की स्थापना। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार की कुल जनसंख्या, तो बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80%। बिहार का महापर्व छठ। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार में औसत वर्षा कितनी है? तो औसत वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? सही आंसर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है? सही आंसर है बोधगया। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था? रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुजफ्फरनगर। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? वर्ष 1993 में। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? मौर्यकालीन मूर्तिकला के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? बोधगया। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? फल्गुन नदी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार का राजकीय पशु है बैल। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 15 अप्रैल 1930। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण। 8वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मनीषा कुलश्रेष्ठ। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूसा समस्तीपुर में। पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? मौर्यकालीन मूर्तिकला के लिए। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार। सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? गंगा गंडक के संगम पर। बिहार में सोरठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? मिथिलांचल। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? सर हेक्टर मुनरो। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? वहावी आंदोलन। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? कैमूर की पहाड़ियाँ। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। साइमन कमीशन के पटना आने से पूर्व साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी? पटना।
मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? बिहार। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अघोर कामिनी देवी। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस। साइमन कमीशन पटना कब आया? 12 दिसंबर 1928। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? 1929। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्मावलंबी से। छऊ बिहार का प्रमुख है लोक नृत्य। मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? विद्यापति। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? दरभंगा का। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? भारती दयाल। प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? सेवक राम। बिहार में सोराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? मिथिलांचल। पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? परवर्ती मुगल काल। पटना कलम किससे संबंधित है? चित्रकला से। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। पटना के वहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी? 1870-71 में। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? डगलस। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 3 जुलाई 1857 को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र सन्याल ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन। गो रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1917 में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? बिहार। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ल। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गो रक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1930। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम है? राय साहब महेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी? 16 अगस्त 1946। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1923। बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? फरवरी 1919 में।
बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? मोतिहारी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था? मार्च 1929। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? शाहाबाद। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरादेई। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? श्री राम विनोद सिंह ने। बिहार के गवर्नर लाल सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? असहयोग आंदोलन। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 8 अगस्त 1908 को। वायज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दरभंगा में। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? 1917 में। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? स्वामी विद्यानंद। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? 1906 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 28 नवंबर 1940। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? समाजवादी। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया गया था? बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेर शाह सूरी। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सफेदा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहू। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? मधुबनी पेंटिंग। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेर शाह ने। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी नरेश द्वारा। राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था 1769 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? मीरन। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1767 ईस्वी में। मुल्ला बहबहानी कहाँ का यात्री था? ईरान के। युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? पुर्तगाली। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, चौसा यानी चौसा का युद्ध। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? बिहार शरीफ। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। राल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी? 1587 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? सन 1937 में। पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गायस्टीन द्वारा कराया गया था? 1786 ईस्वी में। बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा। पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित कब की गई थी? 1651 में। बिहार होमलू लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मजहरुल हक। राजकुमार शुक्ल में महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पड़डोल। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1937 में। सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? 1912। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त। बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जनधन की अपार क्षति हुई थी? 15 जून 1934। अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? 1774। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? 1760 में। मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता? दाऊद खां कररानी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? मिर्जा अजीज कोकलतास। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जाब चारनाक कब बना? 1664 ईस्वी में। पटना को नजीमाबाद का नाम किसने दिया था? राजकुमार नजीम ने। भोजपुरी में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? अजातशत्रु। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किससे जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? अथर्ववेद। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसको प्राप्त है? पाटलिपुत्र को। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? कनिंघम। मगध राजवंश का प्रारंभ किससे होता है? बृहद्रथ से। जैन तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? चंपा नगरी। मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी? राजगीर। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था? राजगृह राजधानी का। प्राचीन विश्वविद्यालयों में से बिहार में कौन स्थित थे? विक्रमशिला और नालंदा। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोधगया वैशाली राजगीर। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मेगास्थनिज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्ती तिस्त। मगध महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। हेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? 635 ईस्वी पूर्व। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? वैशाली, भागलपुर। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजन पद में सम्मिलित था? मगध। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ कहाँ हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में। सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? यजुर्वेद में। वज्जी संघ में कितने गणराज्य निहित थे? 8। अशोक महान का राज्यारोहण कब हुआ था? 273 ईस्वी पूर्व। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्म नंद ने। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य मूर्ति किस कला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? गुप्त कला। बिहार में देव वर्णांक से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासकों में 3 गुप्त शासकों के नाम अंकित हैं, देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त। पावापुरी का संबंध किससे है? भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र। गुप्तकालीन मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? सासाराम में। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयीन अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था वह किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? दशरथ। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कहाँ हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 185 ईस्वी पूर्व। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वयस्कार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? अजातशत्रु। ईस्वी पूर्व 6 शताब्दी में मगध में कौन राज स्थापित था? हर्यक वंश। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुम्हार से। चिरांद का पुरातात्विक स्थल किससे संबद्ध है? नियोथिलिक संस्कृति से। बिहार के निवासियों को वात्य कहा गया यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? पंचविस ब्राह्मण। पाली ग्रंथों में उग्रसेन का उल्लेख किस राजा के लिए हुआ है? महापद्म नंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? चेंदी। मगध राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्म नंद। मगध तथा अंग महाजन पद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन। महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडल ग्राम। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग कौन सा था? गुप्त। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। चुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त।
चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? सुंग नांग वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। कौन सा महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? मगध को। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंघ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? 3। तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सावक मीर। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्मनंद ने। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोधगया। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति की योजना किसके शासन काल में हुआ था? अशोक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।